साथ अपना पीसी बिल्ड एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आप अमेजोन और ऑफलाइन मार्केट में आई प्राइस डिफरेंस को जानकर हैरान हो जाएंगे। 1,05,000 के पीसी बिल्ड में कितना प्राइस डिफरेंस आ सकता है, 5,000, 10,000 या 30,000। आज मैं आपको मेरे पीसी की एक एक पार्ट की प्राइस, अमेजोन की प्राइस और ऑफलाइन मार्केट नेहरू प्लेस की प्राइस बताऊंगा, साथ ही मैं इनका प्राइस डिफरेंस भी बताऊंगा। सो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखते रहिए। ऑनलाइन अमेजोन से फास्ट खरीद कर असेंबल करूं या फिर ऑफलाइन, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पीसी बिल्ड था, सो मैंने डिसाइड किया ऑफलाइन ही मैं पीसी बिल्ड करूंगा। सो इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड दिव्यांशु को कॉल लगाया, जिसका टेकी दादा नाम से गेमिंग चैनल है। इसके बाद हम दोनों नेहरू प्लेस दिल्ली पहुंच गए। नेहरू प्लेस इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और एक्सेसरीज आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम नेहरू प्लेस की सबसे बड़ी शॉप कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर गए और हमने वहाँ पर उनसे प्राइस कोटेशन बनवाई और प्राइस कम करने के लिए कहा, बट उन्होंने प्राइस कम करने से मना कर दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट शॉप की प्राइस फिक्स्ड है। सो इसके बाद हमने प्राइस डिफरेंस जानने के लिए और दूसरी शॉप्स की ओर रुख किया। सबसे पहले हम एसएमसी इंटरनेशनल शॉप पर गए और भी 5-6 शॉप पर गए और वहाँ पर प्राइस कोटेशन बनवाई। फाइनली हम गीगाबाइट के शोरूम में पहुँच गए और वहाँ पर हमने कोटेशन बनवाई और शॉप की कोटेशन से सबसे कम प्राइस हमें गीगाबाइट के शोरूम में मिली। सो हमने फाइनली गीगाबाइट के शोरूम से पीसी बिल्ड कराने का डिसीजन लिया। गीगाबाइट के शोरूम में सोनू जी ने हमारा पीसी बिल्ड किया। सोनू जी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, हमारे पीसी बिल्ड के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर किए। सो फाइनली दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ मेरे पीसी बिल्ड के पार्ट और मैंने जो ऑफलाइन मार्केट में खरीदे उसकी प्राइस और अमेजोन पे कितनी अभी उसकी रिसेंटली प्राइस है, और साथ में बताता हूँ आपको प्राइस डिफरेंस कितना प्राइस डिफरेंस आएगा। सो मैंने अपने प्रोसेसर के लिए चूज किया था i7 770K अनलॉक प्रोसेसर, जो मुझे ऑफलाइन गीगाबाइट शोरूम से मिला 24,000 रुपये का, और अभी रिसेंटली इसकी अमेजोन पर प्राइस है 27,795 रुपये। प्राइस डिफरेंस आता है 3,795 रुपये का। अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो आप सेव करेंगे 3,795 रुपये। मदरबोर्ड में चूज किया था हमने गीगाबाइट J270X अल्ट्रा गेमिंग 2 SLI ATX DDR4 मदरबोर्ड, DDR4 सपोर्ट करता है ये हमें गीगाबाइट शोरूम से पड़ा था 14,900 रुपये में, जबकि इसके अभी अमेजोन की प्राइस है 15,810 रुपये। प्राइस डिफरेंस 950 रुपये आपके बचेंगे। हमने जे स्किल की रैम चूज की थी, ट्राइडेंट जेड RGB सीरीज 16GB 8RGB की दो रैम, 3000 MHz एंड DDR4 सपोर्ट, जिसकी हमें ऑफलाइन प्राइस पड़ी 16,500 रुपये और अभी अमेजोन पे इसकी रिसेंट प्राइस है 18,990 रुपये। प्राइस डिफरेंस 2,450 रुपये, यानी अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो आपके सेव होंगे 2,490 रुपये। वहीं हम CPU केस की बात करें तो केस में हमने चूज किया था कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स लाइट 5 RGB CPU केस कलर ब्लैक, जिसकी अभी हमें ऑफलाइन प्राइस मिली है 5,000 रुपये की, अमेजोन में प्राइस है 7,950 रुपये। अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो आपके सेव होंगे 2,950 रुपये, यानी लगभग 3,000 रुपये। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड में हमने चूज किया था गीगाबाइट का GeForce GTX 1050 Ti GeForce OC Edition 4GB का ग्राफिक्स कार्ड, ये हमें ऑफलाइन मार्केट गीगाबाइट शोरूम से मिला 11,400 रुपये में और इसकी अमेजोन पे अभी प्राइस है 13,799 रुपये। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हैं तो आपके लगभग सेव होंगे 2,399 रुपये। वहीं हम अगर हार्ड ड्राइव की बात करें तो हार्ड ड्राइव हमने WD की चूज की 2 TB की, जिसकी हमें ऑफलाइन प्राइस पड़ी 4,800 रुपये और इसकी अमेजोन पे प्राइस है 6,500 रुपये, प्राइस डिफरेंस 1,700 रुपये। CPU फैन में हमने चूज किया कूलर मास्टर का हाइपर 212 LED टर्बो रेड कवर, जो हमें ऑफलाइन पड़ा 2,800 रुपये में, जिसकी ऑनलाइन अमेजोन प्राइस है 3,367 रुपये, प्राइस डिफरेंस 567 रुपये।
SSD हमने चूज की सैमसंग की 250GB 850 EVO, जिसकी ऑफलाइन प्राइस हमें पड़ी 6,800 रुपए और ऑनलाइन अभी इसकी अमेजोन पे प्राइस है 7,165 रुपए, प्राइस डिफरेंस 365 रुपए। LED मॉनिटर में हमने चूज किया AOC का 23 इंच का IPS बेजल लेस डिस्प्ले, जिसकी ऑफलाइन प्राइस हमें पड़ी 10,000 रुपए, ऑनलाइन अमेजोन पे प्राइस है 11,985 रुपए, प्राइस डिफरेंस 1,985 रुपए। पावर सप्लाई में हमने चूज किया Corsair की 600 वाट की पावर सप्लाई, जिसकी ऑफलाइन प्राइस है 5,100 रुपए और अमेजोन पे इसकी अभी प्राइस है 5,990 रुपए, प्राइस डिफरेंस 890 रुपए। वायरलेस कीबोर्ड माउस में हमने चूज किया डेल का KM117 वायरलेस कीबोर्ड माउस, जिसकी ऑफलाइन प्राइस है 1,300 रुपए और अमेजोन पे इसकी प्राइस है 1,387 रुपए, प्राइस डिफरेंस 87 रुपीज का। हमारे मदरबोर्ड पर वाईफाई कार्ड इनबिल्ट नहीं था, सो हमने वाईफाई एडाप्टर चूज किया TP-Link का PCI एक्सप्रेस एडाप्टर 2.4 GHz 300 Mbps की स्पीड, इसकी प्राइस हमें पड़ी ऑफलाइन 900 रुपए और इसके ऑनलाइन अमेजोन पे प्राइस है 999 रुपए, प्राइस डिफरेंस 99 रुपीज। अगर आप ऑफलाइन 1,05,000 का PC बिल करवाते हैं तो लगभग आप सेव करेंगे 18,277 रुपए। ये PC अगर आप ऑनलाइन अमेजोन से खरीदते हैं तो आपको 18,277 रुपए अधिक पे करने पड़ेंगे। सो दोस्तों, आपका डिसीजन है ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन। मैं आपको ऑफलाइन परचेज करने के लिए बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रहा, ये आपका डिसीजन है कि आपको ऑफलाइन खरीदना है या आपको ऑनलाइन खरीदना है। आप अपनी सुविधा अनुसार आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे PC बिल्ड की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। प्राइस कभी भी चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं। अगर आपको गेमिंग PC बिल्ड करना है और गेमिंग PC बिल्ड करने में आप इंटरेस्टेड हैं या आपको और अधिक नॉलेज चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेकी दादा दिव्यांशु के चैनल टेकी दादा का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां जाके उसके चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें और उसे सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।